3 सेक्शन आपने लेने हैं इस तरीके से, इसको इसके साथ अटैच करना है और आपने इस तरीके से पूरा बनाना है। इसको हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ईजी हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप ईद पर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स मैंने साइड पार्टीशन कर लिया है, ठीक है। साइड पार्टीशन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेक्शन लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप सेक्शन लेंगे, ठीक है। आपने इस तरीके सेक्शन लेना है और आपने यहाँ से जो है ब्रेड बनानी है, ठीक है। आपने टू साइडेड ब्रेड बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ आपने बनानी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेक्शन लेती जा रही हूँ लाइन टू लाइन। आपने इसको इसके साथ मैच करते जाना है, ठीक है। और बहुत इजी है ये, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। सिंपल हेयर स्टाइल है जो कि आप ईद पे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरीके से आपने बैक साइड तक इसको पूरा लेकर जाना है, ठीक है। ठीक है व्यूअर्स, आपने इसको यहाँ तक ऐसे लेके आना है और लाइट हेयर आपने इसको यहाँ से इस तरीके से मैसी करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ईजी है। आपने इस तरीके से इसको मैसी करना है फ्रेंच को, और आपने फ्रंट से भी थोड़ा सा इसको मैसी करना है, ठीक है। लूज़ कर देंगे ताकि फ्रंट से थोड़ी सी हमारी ब्रेड इन्हेंस हो, ठीक है। लाइट लाइट आपने इस तरीके से इसको मैसी करना है, ये देखिए आप, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करना है, यहाँ क्रॉस में आप पेंस लगा देंगे, ठीक है। देन आपने फ्रंट पे आना है, जो हमारा फ्रंट वाला सेक्शन है आपने इधर भी फ्रंट पे जो है ब्रेड बनानी है इसी तरीके से, फिनिशिंग के साथ वर्किंग करनी है आपने, ठीक है। 3 सेक्शंस आपने लेने हैं, इस तरीके से इसको इसके साथ अटैच करना है और आपने इसको बनाते जाना है ब्रेड को, ठीक है। अब हमने ये पूरा सेक्शन नहीं लेना, हमने यहाँ पे इस तरीके से लेना है। लेयर्स हम छोड़ते जाएंगे साथ साथ और हम अपनी ब्रेड बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने लेयर्स को यहाँ पे इस तरीके से छोड़ते जाना है। वाटरफॉल की तरह इसका लुक आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लेते जाना है ब्रेड को, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन लेते जाना है और इसको बैक साइड पर आपने इसको अटैच करना है इसके साथ ही, फिनिशिंग के साथ, ये देखें आप, ठीक है। अब आपने इसको लूज़ करना है लाइट लाइट, जैसे हमने उसको किया था सेम इसको भी हमने इस तरीके से लूज़ करना है लाइट लाइट सा, और इसको इसके साथ ही हमने फिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एक पिन से मैंने इसको एडजस्ट किया है फ्रंट पे लाइट लाइट सा, हम इसको लूज़ करेंगे ताकि थोड़ा इनहेंस हो ब्रेड हमारी, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, वन साइड हमारी डन हो चुकी है। हमने यहाँ पर जो है करना है, यहाँ पर हम वन ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल नहीं बनानी क्योंकि इस साइड पे वॉल्यूम कम हो जाता है, जब हम उस आड़ी मांग कर लेते हैं तो वॉल्यूम हमारा इस साइड का कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से वर्किंग करनी है, ठीक है। ये बहुत इजी है और बहुत स्टाइलिश लगता है, ये आप इंशाल्लाह बनाएंगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन टू लाइन लेते जाएँ, ठीक है। ये देखिए आप, इसको हमने यहाँ पे लाके इस तरीके से पूरा बनाना है, इसको हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। अब हमने इसको लाइट लाइट यहाँ से मैसी करना है। तो व्यूअर्स मैंने इसको पूरी जो है इस तरीके से बना ली है और इसको हमने इसके साथ अटैच करना है। इसको हम इसके अंदर से लेंगे, ठीक है, इसको इसके अंदर से लेंगे ताकि हमारा हाइड हो जाए, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर से फिक्स करना है और आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ये देखें आप, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ये एक बिल्कुल हेयर बैंड स्टाइल में हमारा हेयर स्टाइल हो गया है, ठीक है। आपने हेयर पिंस की हेल्प से इसको जो है इसको पूरा फिक्स करना है ताकि ये हमारा यहाँ से जो पिंस नज़र आ रही है वो भी हमारी हाइड हो जाए। और ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है। अब हम फ्रंट पर आएंगे,
सो व्यूअर्स, हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं फ्रंट और बैक ऑल ओवर लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, और आप बोथ साइड देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये बहुत इजी हेयर स्टाइल है जो कि आप ईद पर बना सकती हैं, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आप लोग को आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।